हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों आज मॉर्निंग का लगभग वही 7 o'clock हो रहा है और मेरे साथ मेरी स्टूडेंट हैं, जो कि उनका नाम जान लेते हैं, क्या नाम है और कहां से आती हैं और कितने डेज हो चुके हैं, क्योंकि बहुत एक्साइटेड हैं ड्राइविंग को लेके। और इनका टाइम है 6:30, लेकिन ये 5 ही बजे आ जाती है, इनको रात में नींद नहीं आती है। तो जान लेते हैं क्या रीज़न क्या है। हेलो मैम, आवाज़ नहीं कुछ खाया? हाँ ठीक, ओके इतना भी तेज नहीं, ठीक है। क्या नाम है आपका? प्रेरणा। ओके, कौन सी वाली प्रेरणा? प्रेरणा ये वाली। अच्छा, ये वाली प्रेरणा, ओके। बहुत मजाकिया टाइप की हैं ये, बहुत हंसती हैं और मज़ा आता है इनके साथ ड्राइविंग सिखाने में। कुछ लोग ऐसे बैठते हैं जैसे कि लग रहा है उनका टाइटैनिक का जहाज डूब गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कूल माइंड से अगर दोस्तों आप सीखोगे ना, तो आई होप बहुत जल्दी चीज़ों को पिक कर जाओगे। और ड्राइविंग एक ऐसी चीज़ होती है गाइज कि जितना फ्री माइंड से, कहते हैं माइंड और पैरासूट तभी वर्क करते हैं जब दोनों ओपन हों। तो आज कितने दिन हो गए आपको मैम? हाँ, 2 दिन हो गए। आज तीसरा दिन है, एक दिन का। हाँ तो फिर एक दिन की चेपी लगाना चाह रही हो? ओहो, बहुत बड़े वाले हो आप। अच्छा, तो अभी कौन से रूट पे चल रहे हो आप? ये चल रहे हैं सेक्टर 25 वाले। सेक्टर 25 वाले रूट पे चल रहे हैं और मैम हमें ले जा रही हैं बढ़िया सी कॉफ़ी पिलाने। बोली कि सर आप कल आए नहीं थे, तो चलिए आज मैं आपको कॉफ़ी पिलाती हूँ। तो अभी फाइनली देखते हैं कहाँ लेके जाएंगे, किस जगह लेके चलोगे आप? अब देखो ये पता है ऐसा होना चाहिए कि मतलब वाइज में क्या होता है, खुद ही डिसीजन। लेकिन ये कोई भी काम करती है तो अपनी फ्रेंड से पूछ के, कोई भी काम करती है रात में डिसाइड करेंगी, अच्छा कल सुबह चलना है काजल नहीं चलना है, काजल ने कह दिया डन। अभी आपको काजल से भी मिलवाएंगे, बहुत एक्साइटेड गर्ल्स हैं, वो हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, पूछो मत। तो अभी पूछ रही काजल से कि कहाँ चलना है कहाँ ना, काजल अगर मना कर देगी तो कहेंगी नहीं सर छोड़ो। तो काजल जी से आप जरा डिस्कस कर लो कहाँ ले चलोगे। हवेली, कालिका हवेली ले जाएंगी, जो कि अभी फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और उधर ही जा रहे हैं, और नहीं तो फिर जाके हयात रेजिडेंसी में कॉफ़ी पी जाएगी आज, या ताज में चलेंगे, ठीक है। आई विल बी पे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और नहीं जाएंगे। अरे बातचीत अपनी, टेंशन यूट्यूबर हैं, टेंशन किस बात की है। तो दोस्तों आज हम लोग फाइनली बड़े रास्ते पे चल रहे हैं, जो कि मतलब NH 24 जिसको बोलते हैं, दिल्ली टू आपका जो अपना फैज़ाबाद रूट है। और मैम कार ड्राइव कर रही हैं और बहुत अच्छा चला रही हैं, तो मैं आज दिखाना चाहूँगा आपको कि बड़े रास्ते पे कार को कैसे चलाना चाहिए, किस साइड में। तो दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके और आप उससे कुछ ना कुछ सीख सकें। तो दोस्तों एक मेरा न्यू चैनल है जो कि कार नॉलेज बाय राहुल, उस पर भी जाके आप विजिट कर सकते हैं, इस तरीके की वीडियोज़ आपको वहाँ पर भी मिलेंगी। आप मुझे FB पे भी फॉलो कर सकते हैं, राहुल मोटर ड्राइविंग स्कूल पिकनिक स्पॉट के नाम से मेरा पेज है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव के नाम से। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये NH 24 है और प्रेरणा जी कार को ड्राइव कर रही हैं और बहुत अच्छा चला रही हैं, और टच गुड, भगवान करे ये हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहें और ऐसे कार चलाती रहें, कार ही चलाती रहें बस। अभी स्पीड बढ़ा लीजिए और हाँ थोड़ा सा, और आगे से हम लोग चलेंगे पॉलीटेक्निक चौराहे से फिर सीधा चलना, उधर चलना ना हयात उसे ताज की तरफ, तो वो सीधा वहाँ चलना है आपको, गोमती नदी के बगल में, रिलायंस होटल के बगल में, आइनोक्स के पास, ठीक है। रास्ता मैं बताता रहूँगा, ठीक है। आइनोक्स पता है ना? आइनोक्स क्यों नहीं पता होगा भैया, आइनोक्स आजकल सभी को पता होता है। बढ़ा लो स्पीड थोड़ा सा, रेस करो और राइट का सिग्नल दो। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया मैडम आपने तो। अंकल जी को हॉर्न दे देना, क्योंकि रात नाइट ड्यूटी करके आ रहे हैं वो, फाइनली हो सकता नींद में हो। दोस्तों ये फाइनली मुंशी पुलिया आ चुका है और यहाँ पे 8 बजे के बाद इतनी तगड़ी मतलब हालत ख़राब हो जाती लोगों की यहाँ पे कार निकालने में, कार स्कूटी बाइक जो भी है। राइट काटो धीरे धीरे, हाँ राइट और काटो स्टीयरिंग धीरे धीरे, चलो चलो काटो और काटो, वेरी गुड। देखो ऑटो वाले को, भैया को सीधी करो, गुड, लेफ्ट आओ, हाँ और जाओ, बढ़ाओ स्पीड धीरे से और बढ़ाओ, चलो चलो चलो, जाने दो जाने दो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड, स्पीड बढ़ाओ, गुड, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करो। मैम आप झटके क्यों इतना मार रही हो एक्सेलेटर को, थोड़ा सा ध्यान से करो, आप ऐसे जर्किंग कर रही हो गाड़ी पूरी, ऐसे करी डिस्को डांस, आई एम अ डिस्को डांसर वो वाली हो रहा है, नागिन डांस, स्पीड बढ़ाइए, हाँ चलो थोड़ा सा रेस करो और गाड़ी अपनी लेफ्ट में लेके आओ, लेफ्ट का सिग्नल दो,
गुड, धीरे धीरे लेफ्ट दबाना है ताकि हमारी वजह से पीछे वालों को डिस्टर्ब ना हो, नहीं तो कोई रात में सोया नहीं होगा, नींद में आ रहा होगा तो निपटा देगा। बढ़ाओ स्पीड, चलो जाओ रेस करो। हाँ चलो रेस करो, गुड, और स्पीड बढ़ाओ, वेरी गुड। अभी राइट वाला पैर ब्रेक पे लेके और क्लच दबा के थर्ड गियर सेंटर में, चलो जल्दी से सेंटर में, बीचों बीच में ऊपर हल्के हाथों से, गुड वेरी गुड, कमाल कर दिया। देखो कितना ज़बरदस्त गियर डाला आपने, इतने अच्छे बच्चे हो आप, बढ़ा लो, चलो स्पीड बढ़ाओ और लेफ्ट आओ। जॉब मिल गई आपको? अभी नहीं, ट्राई कर रहे हो? और किस टाइप की जॉब चाहिए? टाटा मोटर्स में। ओके, कर चुके हो? ओके, अभी वैकेंसी आई थी ना वहाँ पे कुछ। ओके ओके ओके, आई कर रखी, चलिए ठीक है। कुछ अगर ऐसा होता है तो मैं बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आते रहते हैं, इस तरीके से लोगों से बातचीत होती रहती है। स्पीड बढ़ा लीजिए, चलो रेस करो, और वेरी गुड। अभी क्या है ना, आप कार चाहो तो अपनी निकाल सकती हो। कल मैं आपको क्या करूँगा, दो तीन चीज़ें करा दूंगा, रिवर्स पार्किंग, स्लोपिंग, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, कार निकालने के लिए ये तीन चीज़ आना ज़रूरी है, एक स्लोपिंग, एक रिवर्स, एक पार्किंग। स्लोपिंग तो अभी मैं करा दूंगा, पुल पे चढ़ जाओ, ठीक है, चढ़ जाओ, उतरना नहीं है। उतरेंगे ऐसे, उतरेंगे नहीं, उतरना ही नहीं है, चढ़ जाओ बस, जाने दो। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी राइट का सिग्नल दे दो ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये जो कार है ये पुल पे चढ़ेगी, ठीक है, फ्लाईओवर पे। ज़्यादा मत दबाओ, बस हल्का सा रखो। हाँ गुड, बहुत बढ़िया। अब हल्का लेफ्ट आओ, जहाँ पे वो बाइक जा रही ना वहाँ पे आपको इसको स्टॉप करना है, ऊपर चढ़ा के इसको स्टॉप करना है। यहाँ पे मैं आपको स्लोपिंग के बारे में बता दूंगा कि कई बार फ्लाईओवर पे जाम लग जाता है। अभी लेफ्ट का सिग्नल दो, हाँ, और लेफ्ट आओ, और थोड़ा लेफ्ट, और राइट को हल्का सा, और लेफ्ट आओ, और लेफ्ट, और लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट आओ, और लेफ्ट, बस स्टॉप करो कार, पूरा क्लच और ब्रेक स्टॉप करो, गुड, हो गई। दोस्तों ये देखो कितना स्लोपिंग है, ये फ्लाईओवर की चढ़ाई है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी कार फाइनली स्टॉप कर दी है प्रेरणा जी ने, और अभी आपने क्लच दबा रखा है, फुल ब्रेक ले रखा है। कार कौन से गियर में है? थर्ड गियर में। तो इसको आप न्यूट्रल करें। अगर किसी भी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में कार आपकी रुक जाती है, तो सबसे पहले तो आपको कार को फर्स्ट गियर में डाल लेना है। चलो फर्स्ट गियर में करो इसको, गुड। अभी क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको राइट का सिग्नल देना है, ठीक है, अभी सिग्नल बंद कर दूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे करनी है प्रैक्टिस। तो उसके लिए क्या करना है कि हमको चारों इंडिकेटर, ये हज़ारा स्विच होता है, इसको यहाँ से पुश कर दिया तो अभी चारों इंडिकेटर ऑन हो गए। तो इसका मतलब ये होता है कि पीछे से आने वाली गाड़ियों को ये कंफर्म हो गया कि ये कार रुकी हुई है, तो इससे बच के निकलना है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना। कोई भी इश्यूज हो सकता है, पार्किंग है या गाड़ी ख़राब हो गई है, इसके कई ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, क्लच नहीं छोड़ना है ना ब्रेक छोड़ना है। पहले एक बार अपना माइंड मेकअप कर लो कि इसमें कुछ भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपने सपोज करो ब्रेक पहले छोड़ दिया तो क्या होगा, गाड़ी कहाँ जाएगी? नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब जैसे कार को इस ऐसी कंडीशन में रोक के बढ़ाते हैं, अभी तक आपने 3 डेज के अंदर कार जब भी बढ़ाई है तो पहले ब्रेक को रिलीज़ किया है, फिर क्लच को छोड़ा है ना। यहाँ पे उसका अपोजिट करना, उल्टा करना है। जैसे अभी आप ब्रेक छोड़ दो, जरा ब्रेक छोड़ो, ब्रेक से पैर हटाओ, अब पूरा हटा लो, ब्रेक से पैर हट गया, अब गाड़ी कहाँ जा रही है? पीछे जा रही है, रोको, पूरा क्लच दबा के ब्रेक मारो जल्दी से, हाँ गुड, ठीक है। अब क्या करना है, आपको पहले धीरे धीरे क्लच को छोड़ना, एकदम धीरे धीरे, जैसे हम काउंटिंग करते हैं ना 1 2 3 इस तरीके से धीरे धीरे क्लच छोड़ना, एकदम धीरे धीरे। एड़ी को नीचे रोक के रखो, पंजे को ऊपर आने दो, और आने दो, और थोड़ा, बस। अब देखो इंजन वाइब्रेट करने लगा है, इंजन वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अब गाड़ी आपकी गियर में एक्टिव हो चुकी है। अब आप ब्रेक से पैर हटाओ, ब्रेक से, क्लच मत छोड़ना, सिर्फ ब्रेक से पैर हटाओ। अब देखो गाड़ी धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो गई। आपने कोई एक्सीलेटर लिया? नहीं लिया। विदाउट एक्सीलेटर कार इतनी ऊंचे फ्लाईओवर पे चढ़ गई है। फिर रोको, पूरा क्लच और ब्रेक स्टॉप, ठीक है। तो दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि मतलब बिना एक्सीलेटर तो ऑलरेडी कार फर्स्ट गियर में है, और आप देख सकते हो ये फ्लाईओवर पे खड़ी हुई है, और प्रेरणा जी ने कोई एक्सीलेटर का यूज यहाँ पे नहीं किया, फिर भी कार आपकी बढ़ गई। अभी एक बार ब्रेक फिर छोड़ो, गाड़ी थोड़ा पीछे और ले जाओ, ब्रेक छोड़ दो, पूरा ब्रेक छोड़ना, क्लच नहीं, सॉरी, जा रही गाड़ी पीछे,
अब अभी आपने पता है कहाँ कार को चढ़ा रखा है, जो ये पॉइंट बने व्हाइट लाइन के ऊपर, उस पर ओट लग गई है, देख रहे हो, ये लग गई है ओट गाड़ी में, ये देखो पीछे ओट लगी पड़ी है टायर के नीचे। तब ओट लगी पड़ी है तो वो गाड़ी बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, वापस ब्रेक दबाओ पूरा फुल, अब धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, जब थोड़ा सा होल्ड करना है, जब इंजन गियर में एक्टिव हो जाए तो थोड़ा सा वहाँ एक दो सेकंड होल्ड करना, बस। अब ब्रेक से पैर हटाओ, प्रॉपर ब्रेक से। अब देखो यहाँ आपने गलती कर दी, आपने ब्रेक दबा रखा था, क्लच छोड़ दिया, इसलिए इंजन बुझ गया आपका। वापस क्लच दबा के इंजन ऑन करो, क्लच दबा के प्रेरणा जी, गाड़ी गियर में है, क्लच दबा के। अब धीरे धीरे क्लच छोड़ो, धीरे 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 धीरे, वेरी गुड, बढ़ गई गाड़ी, हो गया। तो बिना एक्सीलेटर भी कार स्लोप पे चढ़ जाती है, तो बढ़ा लो, चलो स्पीड बढ़ाओ। अब ऐसे कंफ्यूज मत हो, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो गई थी, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। पहले आपको ब्रेक नहीं छोड़ना है, पहले क्लच छोड़ना है। अभी चलो स्पीड मेंटेन करो, हल्का राइट रखो, और ये जो पॉइंट बने हैं वाइट लाइन के बगल में, ये ओट लग गई थी आपकी गाड़ी में, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ और क्लच दबा के सेकंड गियर करो, जल्दी से चेंज करो फटाफट। आप थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेते हो, चलो क्लच को रिलीज करो। अब देखो इतना ज़्यादा क्लच देर तक दबा रखा है कि गाड़ी आपकी एकदम जीरो की स्पीड में आ गई। एक तो चढ़ाई, ऊपर से तीन लोग हम बैठे हैं, ऊपर से गाड़ी का वेट, ऊपर से आपने क्लच छोड़ने की जहमत नहीं ली, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, डर लगता है। पता है 24 घंटे में एक सेकंड ऐसा होता है जो सरस्वती बैठती है हमारी जुबान पे। तो जब आप कहोगे डर लगता, तो सरस्वती पता क्या कहेगी, तथास्तु बच्चा, तो फिर वो डर जिंदगी भर तक लगता रहेगा। अब वो डिसाइड आपको करना है कि डरना है या चलाना है, क्या करना है, चलाना है। तो फिर पॉजिटिव हमेशा बोलो, नेगेटिव नहीं बोलना है, ठीक है। जो आपको चाहिए उसके बारे में सोचो, जो चाहिए ही नहीं उसके बारे में क्यों सोच रहे हो, क्यों बोल रहे हो। 90% हम लोग को जो नहीं चाहिए होता है हम उसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं, करते हैं, और जो चाहिए होता है उसके बारे में नहीं बात करते हैं। तो हमारा माइंड जो आपको चाहिए होता है, जो आप बोलते हो उसी पे वर्क करता है, उसको अच्छा और बुरा नहीं पता होता है, ठीक है। पैरा द पाइपलाइन की एक बुक आती है, उसको पढ़ के देखिए, ज़िंदगी बदल जाएगी, समझ रहे हैं, लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। अभी स्पीड मेंटेन करो, हाँ, अब कार अपनी राइट में रखो, राइट का सिग्नल दो। मैडम जी, प्रेरणा जी, राइट रखो, ये यहाँ से हज़ारा स्विच ऑन कर रखा था ना, अब चलेगा, राइट का सिग्नल दो, गुड। अब राइट दबाओ अपनी गाड़ी धीरे धीरे देख के, हाँ जाओ धीरे धीरे राइट दबाओ, चलो देखो पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, देखा नहीं आ रही ना, और राइट दबाओ, और राइट, और राइट, इसलिए क्योंकि अभी आगे जो सुषमा हॉस्पिटल आ रहा है, यहाँ से हमको यू टर्न मारना है। यू टर्न का मतलब होता है कि स्पीड कम हो और एक बाई की गाड़ी को मोड़ना, लेकिन कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि उस पॉइंट पे जाके कार को राइट दबाते हैं, पर ये रॉन्ग है। हमेशा कार को 100 मीटर पहले लाइन चेंज कर लेनी चाहिए। अब लोगों को पता चल गया कि ये गाड़ी राइट में आ गई, तो इसका मतलब या तो ये बंदा राइट टर्न करेगा या फिर ये राइट इसको जाना है, दो में से एक काम। तो अब आपके राइट से कोई गुजर नहीं सकता, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, तो वो लेफ्ट से जाएगा, लेकिन ये 100 मीटर पहले आपको करना है। अभी आपने राइट का ऑलरेडी सिग्नल दे रखा, टर्निंग के टाइम आपका राइट वाला लेग ब्रेक पे हो और ब्रेक दबाना नहीं है, दबाना नहीं है, बस। अब यहाँ से यू टर्न मारना है, यू टर्न के लिए आपको साइड मिरर में नज़र डालो, राइट वाला पैर ब्रेक पे लियाओ, और सेकेंड गियर में ही ये कार आपकी यू टर्न हो जाएगी। फर्स्ट भी कर सकते हो आप, सेकंड में भी कर सकते हो, क्योंकि सेकंड गियर में आपकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। और लेफ्ट आओ, और लेफ्ट आओ, और थोड़ा लेफ्ट आओ, और अब पूरी राइट कर दो फटाफट, जल्दी से 360 डिग्री से स्टीयरिंग को टर्न करो, जाने दो, फुल कटी रहने दो फुल। देखो गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पे, सीधी करो फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, गुड, बढ़ा लो स्पीड, वेरी गुड, स्पीड बढ़ा लो, चलो जाओ और बढ़ाओ। तो दोस्तों आपने देखा प्रेरणा जी ने यू टर्न कैसे किया और कंट्रोलिंग इनकी कैसी है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगा, इस तरीके की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी, और इस तरीके से मैं मदद करता रहूँगा। आप लोगों ने इतना प्यार दिया और आगे भी प्यार चाहिए, आशीर्वाद बनाए रखिए, ठीक है दोस्तों, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो शूट करूं और आपको उसके बारे में बताऊं। जय हिंद, वंदे मातरम, सीधा ऊपर पुल पे फिर चढ़ जाऊं।